सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर फ्रेंड ऋषभ, यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी आरएस मोटो व्लॉगर। सो बहुत दिनों बाद आप लोग देख रहे होंगे लैला को मेरी, एंड ये वो की चेन जो कि हम लेके आए थे अपनी लैला के लिए, तो वो लग चुका है। एंड फ़िलहाल हम बहुत टाइम के बाद लैला निकालने करीब 2 हफ्ते बाद एंड मजनू को छोड़ के आ गए। तो 3 पार्ट्स हम ऑर्डर किए थे एंड बेसिकली हुआ क्या था मेरी लैला के साथ, तो हम पूरा बताते हैं आप लोग को। तो ऑन संडे, जो इसके 2 संडे पहले एक राइड प्लान थी हम लोग की, यह संडे राइड थी, बहुत टाइम हो गया तो संडे राइड की भी, तो बस सारे भाई लोग थे। एंड उस टाइम क्या था कि हम रात को करीब बाहर गए हुए थे एंड रात को 2 या 3 बजे के अप्रॉक्स हम बाहर से आए थे एंड अगले ही सुबह राइड करनी थी। मतलब संडे को ही रात को 2-3 बजे बाहर से आए थे एंड संडे को ही सुबह करीब राइड पे जानी थी 5 बजे। तो हम सोचे 2 घंटे के लिए क्या अंदर करें लैला को, फिर बाहर निकालना है, इसलिए हम सोचे कि घर के बाहर खड़ी कर देते, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और मन तो नहीं कर रहा था, दिल नहीं कर रहा था कि ऐसे बाहर छोड़ के आ जाए हम लैला को, बट बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो इस वजह से तो उसके बाद सुबह जब करीब 5 बजे हम उठे एंड बाहर निकले तो व्हाट आई सॉ दैट कि हमारी जो लैला है वो गिरी हुई थी राइट साइड को एंड उसके बगल में एक गाय बैठी हुई थी। तो हम समझ गए दैट गाय ने ही मस्ती में कहीं कैरियर वैरियर में सींग लगाई होगी एंड बाइक गिर गई होगी। तो फिर उसके बाद क्या था, मूड पूरा ऑफ हो गया। हम विशाल भाई को कॉल किया दैट हम नहीं आ रहे संडे राइड पे, तो उदय बजाज हम गए डायरेक्ट एंड वहाँ से फिर सारे पार्ट जो हमें लगा कि डैमेज हुए हैं तो हमने तुरंत ऑर्डर कर दिया। एंड यस, जो बड़े पार्ट रहते हैं वो ऑर्डर पर ही आते हैं, जैसे ये वाला साइड फेयरिंग था तो ये इसका ऑर्डर करना पड़ा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा ऐसे खुल गया है, मतलब सीधा ऐसे राइट साइड में एक पत्थर था जिस पे बाइक जाके सीधा ऐसे गिर गई थी। और एग्जॉस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए थे, तो हमने सोचा कि एग्जॉस्ट मंगाते हैं एंड ये साइड फेयरिंग मंगाते हैं। एंड इस साइड वाला एक ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है नीचे साइड में, वो 3, तो ये 3 चीज़ हमने ऑर्डर कर दिया था। और बाकी जो इंडिकेटर है लेफ़्ट साइड का पीछे का, वो तो ऐसे नॉर्मल मिल जाता है, उसको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ़िलहाल अपनी लैला खड़ी है बजाज के सर्विस सेंटर में, बिकॉज सारे पार्ट्स आ चुके थे एंड आज उसको इंस्टॉल कराना था। फ़िलहाल हम राइड कर रहे हैं BS6 RS200, जिसमें कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और उसका भी सीन दिखाते एक बार उदय बजाज पहुँचते हैं फिर, और एक बार आप लोग का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट दिखाते हैं यहाँ रुकने के बाद। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट दिखाना ना, तो यस, तो ये है RS का स्टॉक एग्जॉस्ट, बट जो है इसके नीचे का जो गैसकिट होता है वो निकल गया है, उसकी भी एक वीडियो बना लेते हैं यार, दिखा देते हैं आप लोगों को। तो जो ये नीचे का गैसकिट है ये बाहर आ गया है और इस वजह से एग्जॉस्ट चेंज लग रहा है, आवाज़ तो आप लोग सुन लिए। और फिलहाल अपनी लैला खड़ी है नीचे और सारे पार्ट्स आ चुके हैं, तो फटाफट इंस्टॉल कराते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो लैला अपने रैम्प पे आ चुकी है एंड इसके सारे पार्ट्स सब खुलना स्टार्ट होंगे, एक ये वाला एंड एक ये वाला एंड एक, और जो एक और चीज़ है वो इंडिकेटर। तो ये भाई लोग एग्जॉस्ट, ये वाली फेयरिंग इसके अंदर है। सो अपनी लैला जो है कम्प्लीटली रेडी है अब, एंड बस लास्ट स्टेप जो है वो पॉलिशिंग, तो वो हो रहा है। भैया कर रहे हैं पॉलिश एंड उसके बाद निकल लेंगे हम लोग। एंड बबल वाइजर एक नंबर लग रहा है, एक बार पॉलिश होती है तो इधर सामने खड़ी करके आप लोग को दिखाते हैं, नहीं वहाँ पे, तो वहाँ खड़ी करके आप लोग को दिखाएंगे। एंड यहाँ पर लिखा था इफ़ इट्स टू लाउड देन यू आर टू ओल्ड, तो अब दोबारा बैक टू स्टॉक। और अब देखते हैं क्या लिखवाना है और लिखवाना है कि नहीं ये भी देखते हैं। फ़िलहाल पार्ट जो चेंज हुए, ये वाली फेयरिंग साइड की, ये वाला एग्जॉस्ट, ये वाला इंडिकेटर जो कि लटक गया था, और उसके बाद वो वाली अंडर बेली जो ब्लैक कलर की है, ये वाली। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई, टोटल 4 पार्ट। और बबल वाइज़र तो हम खुद से लेके आए थे, तो वो यहाँ बजाज से चेंज नहीं हुआ। एग्जॉस्ट तो सेम है एग्जॉस्ट की आवाज़ भी सेम है। एक बार रुकते हैं एंड आप लोग को दिखा देते हैं कंप्लीट 360 लुक। तो नो साड़ी गार्ड, नो पीछे का फुट रेस्ट, एंड यस, एंड फ्रंट से ऐसा कुछ लुक आ रहा है। बबल वाइज़र काफ़ी दिन से हमको लग रहा था कि बबल वाइज़र चाहिए। कमेंट करके आप लोग बताइए, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो अपने पास तो स्टॉक है ही, दोबारा कभी भी लग जाएगा वो। और अब निकलते हैं यहाँ से। और अब रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे बिकॉज मजनू नहीं था तो फिर वीडियोस नहीं आ रहे थे। और अब ये वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग पता है क्या करना है, हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।